अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? खुदा खैरियत से होंगे। सेटअप पे चलते हैं दोस्तों। हवा भी जो है ना आज बड़ी ही प्यारी चल रही है। आज हम अपने न्यू मोबाइल से जो ब्लॉग शुरू कर रहे हैं आईफोन से दोस्तों, और हमने सबसे पहले दोस्तों भाई के आना ये सीमेंट वगैरह मंगवाई है वाइट, और हमने चूहों का बंदोबस्त करना है आज। चूहों के लिए दोस्तों जुगाड़ लग रहा है, और जुगाड़ जो है ना बड़ा ही ज़बरदस्त लगाने वाले हैं। वाइट सीमेंट और प्लास्टिक पैरस और गंदुम वाली दोस्तों गोलियां लेकर आए हैं। पहले हम गंदुम वाली गोलियां डालेंगे इसमें, उसके बाद वाइट सीमेंट, और मुझे लगता है जी चूहे तो दोस्तों इसके अंदर हैं। हम तो उधर खप रहे हैं और इधर से आवाज़ आ रही है चूहों की। बाबू पहले सुराख हटा, चूहे अंदर जाने दे। चूहे दोस्तों इसके अंदर हैं और हम वहाँ पे ट्राई कर रहे थे, और ये तो ये शुक्र है कि आवाज़ आ गई है। देखते हैं अब इसमें से। बाबू इस साइड से निकल जाएगा ये तो है। रुक रुक रुक, किधर है? दोस्तों चूहा तो अंदर ही है, और देखते हैं कहीं ये चूहा दोस्तों आया था और वापस जो है ना चला गया, इस खुड में गया, और उसे पता चल गया यहाँ पे मेरे लिए कोई जुगाड़ लगा रहे, वापस चला गया भाई उधर। आप ट्राई कर रहे हैं और देखते हैं बात है कहीं चूहा दोस्तों एक भी इसके अंदर चला गया ना हमारे सामने, फिर इस खुड को हम बंद करेंगे। चूहा दोस्तों यहाँ पर आया, और इसके जो है ना बच्चे ही बच्चे हैं। अब हमने ना इसे मारना है, इसके पीछे है दोस्तों, बड़ी कोशिश कर रहे हैं पकड़ देंगे, लेकिन हमारे हाथ में चूहा आ नहीं रहा दोस्तों। हाथ में तो आया हुआ, लेकिन समझ नहीं आ रही इसे अब कैसे पकड़ें। कोने में दोस्तों भाई ने कर लिया, कोशिश तो बढ़िया उसे यहीं पर मारा जाए, और मेरी कोशिश यह है मुझे ये मुर्दा नहीं जिंदा चाहिए। अफसोस तो दोस्तों होगा मारने का, लेकिन हमारा नुकसान बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। बांधने की दोस्तों कोशिश करते हैं, अगर उसे हम बांध रहे हैं तो रुकें कोई चीज़ देखते हैं। खलारा काफ़ी हुआ है, समझ नहीं आ रही वो देखें दोस्तों, वो रहा मुझे समझ नहीं आ रही इसकी। इससे इतना भाई ने काबू किया फिर भी निकल गया, वो गया वो बाहर निकल गया, बाहर निकल गया बाहर। मैं कहता हूँ कि भाई रहा है, लेकिन भाई कह रहा वो भाई कह रहा अंदर ही है। आपको जो है ना इसके बच्चे तो हाथ हैं, देखो बच्चे तो यूँ हैं। ये तो अच्छा ही हो गया कि हमें जो है ना पता चल गया, छोटे छोटे बच्चे हैं, और बच्चे भी देखें कैसे। भाई ने ज़्यादा देखे लेकिन मुझे तीन ही नज़र आ गए। तो दोस्तों हम अंदर ढूंढ रहे हैं, और हमने बाहर आके देखा तो पीटी ऐसे सूंघ रही है, वो इधर ही है, अब पता चल गया है। ये रहा वो गया वाशरूम में चला गया। और देखते हैं जी आज हमने ये हाथ में लेकर आना है। ये देखें दोस्तों तोते का पता चल गया, ये कैसे क्रॉस करता है सेंटर में से, इसने गर्दन फंसा ली है अपनी, और अब इसकी गर्दन निकल गई है, इसके अंदर से ये क्रॉसिंग करता है। फिलहाल हम इसको छोड़ते हैं, चूहे के बच्चे उठाते हैं। कितने सारे बच्चे हैं, इन्हें उठा के और बाहर लेकर चलते हैं। वो नीचे तो नहीं गिर गए, वो दो गिर गए, वो ये तीसरा गिर गया, वो गिर गया। इसमें डाल ले स्टील वाले में, इसके अंदर हमने डाल लिए हैं। फिलहाल हमें सात लग रहे हैं, मजीद भाई जाके जो है गिनती करेंगे और देख लेते हैं सामान उठा के ना अच्छी तरह। और ये खलारा भी दोस्तों यहाँ से ना ख़त्म करते हैं, जो फजूल सामान है लकड़ियाँ वगैरह घर भिजवा देंगे जलने के लिए। मिल गया, कितने हैं? एक और भी देख, क्योंकि बच्चे चलते हैं अच्छे भले। एक बच्चा दोस्तों और मिल गया, वो देखा वहाँ पे चल गया, और भी मिलेगा कुछ ना कुछ, फटियों के नीचे ही लाजमी होंगे। इनकी पुछले भी देखो कितनी लंबी लंबी, अभी बच्चे हैं ये, और मैं तो यकीन करें ये देख के इतने सारे ना डर गया हूँ। पूरी फौज की फौज तैयार हो रही थी हमारे घर ही, और हमें पता ही नहीं। बहुत अच्छा हो गया हमने जो ना आज ढूंढ लिया है, वरना हम तोतों की वीडियो जो है ना इनकी वजह से नहीं करवा सकते थे। मेरे ख्याल से 10-15 दिन में ये बड़े हो जाने थे, और ये तबाही का घर बन जाना था हमारे लिए। झाड़ू उठा बाबू। दोस्तों एक और चूहा हमें मिल गया। कूलर जो है ना ये सुबह के टाइम हिल रहा था, और ये कूलर जो है ना बंद हो गया है। देखें परे वगैरह टूटी है, क्योंकि मैक्स और पीटी ने एकदम ऊपर से ही हमला किया था,
और एक ही दम जो है ना यहाँ पे ये परे वगैरह गिरी गई थी और मैंने तो समझा कि ये ऐसे ही गिरी हैं। और पेटी ने देखे पोटी भी कर दिया, मैक्स और पेटी को बाहर बांध दिया। और मुझे लगता है ये बेचारा पहले से ही मरा हुआ है, इसे क्या मारे या ये कोने में लगा हुआ है। देख बाबू भाग ना जाए कभी एक्टिंग करता हो। जिंदा है हाँ। पकड़ी पकड़ के रख, पकड़ के रखना, निकले ना थोड़ी देर करता हूँ। जिंदे है, मैं तो समझा भाई को मैं कह रहा था कि मरा हुआ नहीं है, जिंदा ये एक्टिंग कर रहा है, लेकिन भाई ने मानी नहीं। दबा ले इसको ना, जिंदा पकड़ने की कोशिश करते हैं, वैसे दबा ले। अब रस्सी नहीं मिलेगी, हम रस्सी ढूंढते हैं जल्दी जल्दी। ये देखें दोस्तों आखिर हमने शिकार पकड़ ही लिया। मैंने भाई को कह दिया था कि मुझे ये जिंदा चाहिए, मुर्दा नहीं चाहिए। और एक हमने पकड़ लिया और मुझे ये मादी लग रही है, थोड़ा टेढ़ा करी। ये देखें दोस्तों ये मादी लग रही है, इसका पेट वगैरह जैसे निकला हुआ है ना, ये दोबारा मुझे लगता है बच्चे देने के लिए तैयार थे। ये देखें दोस्तों इसके बच्चे भी और ये भी हमने ना यहाँ पे इकट्ठे कर लिए। वो देखें कैसे बच्चों को समेट रहे हैं, चाट के साफ करने लग गया फौरी पर। चूहे को तो दोस्तों हमने सजाए मौत जो है ना वो सुना दी है, फांसी से देने लगे हैं, यहाँ पे इसे बांध दिया है और इसे जो है ना सजाए मौत दे दी है चूहे को। बच्चों पर दोस्तों तरस आ रहा है, बच्चों को ऐसे छोड़ेंगे तो ये बड़े हो जाएंगे, ये तंग करेंगे, ऐसे करते हैं इन्हें ना मट्टी के अंदर दबा देते हैं। चूहों के बच्चे दोस्तों हम छोड़ आए हैं उनको ना, वैसे ही हमने गंद में छोड़ दिया। पहले दोस्तों हम गंदम की गोलियां डालेंगे। नहीं नहीं इसमें नहीं डालनी, सुराख में डालनी है, सुराख के अंदर डालेंगे। तीन गंदम की गोलियाँ तीनों ही डाल देते हैं, सारे का सारा डाल देते हैं। उसके बाद हम वाइट सीमेंट जो है ना वो डालेंगे, खुश्क हमने डाल दिया, थोड़ी सी ना गिल्ली करके इसके ऊपर भर देते हैं। और आपको जो है ना पैरेट के काम दिखाते हैं, देखें दोबारा से जो है ना गर्दन फंसा के बैठा, दूसरा तोता भी यहाँ पे आ गया इसके पीछे और इनका पता चल गया ये कहाँ से गुजर रहे हैं और देखा वहाँ जाने की कोशिश कर रहा है। ये आ जाते हैं लेकिन इनसे जो है ना जाया नहीं जाता वहाँ पर, कोशिश तो वो पूरी कर रहा है अपनी। गिल्ली कर लिया दोस्तों सीमेंट, अब अच्छी तरह इसके अंदर जो है ना भर देते हैं। सबसे पहले दोस्तों फर्स्ट टाइम हमने काम किया, इनके लिए कुंडिये वगैरह लेकर आए हैं, इनके लिए सेब और खीरे वगैरह जो है ना मैं काट कर ले आया हूँ, बारीक करके इनको देते हैं। लेकिन पहले हमने सारा फर्श वगैरह जो है ना वो धोना है, पहले ये काम कर लें। ये भी हमने ना सफाई करनी है इधर की, पहले ये पूरा कर लें काम हम, फिर करते हैं इनको खाना वगैरह देते हैं। मीरांजा के लिए और तोतों के लिए दोस्तों हम कुछ ये ले आए हैं, कुछ भाई कमेंट्स भी कर रहे थे कि भाई आप इनके लिए जो है ना बॉक्स लगाओ। तो दोस्तों ये नर जो हमने लिया ना ये भी हांडी पे हिला हुआ है, और जो इमरान से हमने मादी ली हुई है ना वो भी हांडी पे हिली हुई है। तो इसी भी जैसे मैंने ना ये हांडियाँ ही सोचा, हांडियाँ लेकर आए हम, चार लेकर आए हैं, एक हमारे पास पहले से ही पड़ी थी, चारों हांडियाँ हम बड़ी लेकर आए हैं, तार ले आए हैं तार के साथ बांध के। अब सारी हांडियाँ दोस्तों हमने लगानी है, हीरांजा का भी जो है ना हमने इसमें शिफ्ट कर देना आज। फर्श दोस्तों हमने अच्छी तरह धो दिया क्योंकि स्मेल हुई हुई थी, कुछ चूहों की वजह से जो है ना हम खपते रहे थे, गंद भी बहुत, अच्छी तरह जो है ना हमने सफाई कर दिया। मैक्स और पीटी को बाहर बांधा हुआ है दोनों को, बाहर का फर्श भी हमने अच्छी तरह धो दिया। कूलर मैंने अभी बंद किया क्योंकि कूलर का शोर बहुत ज़्यादा आ रहा था। चावल और यखनी अच्छी तरह मिक्स कर लिया नुमान ने, चिकन जो है ना बारीक बारीक करके इसमें डालेगा, चिकन ज़्यादा है मैंने फिर कह के थोड़ा ही डालना है, पीटी को मैश को जो है ना थोड़ा सा ज़्यादा डालना है, चिकन सूजी को अकेला हम देंगे। भाई ने हांडियों पे जो है ना तारे बांध लिए, वैसे करते हैं हांडियाँ जो है ना एक एक करके इसमें लगाते हैं हम, फिर हीरांजा को भी मैं सोच रहा हूँ कि आज हम इसमें शिफ्ट कर दें। भाई उस साइड पे खड़ा और मैं इस साइड पे खड़ा हो गया हूँ, ये हांडी पकड़ाते हैं और भाई जो है ना उधर से पकड़ कर तार को कस देगा। हांडियाँ दोस्तों लगी है चारों खानों में जो है ना, हमने हांडियाँ लगा ली है, टीयर का जोड़ा जो दूसरा है ना वो बड़ा यहाँ पर हमने शिफ्ट कर दिया, ये वाला खाना खाली कर दिया हीरांजा को, यहाँ पे हम शिफ्ट करने लगे हैं। इंशाल्लाह कल परसों हमारा पिंजरा ये कंप्लीट हो जाएगा। दूसरा जोड़ा जो है टीयर का वो भी हमने नीचे छोड़ दिया हीरांजा का, अब यहाँ पे शिफ्ट करते हैं। पहले सूजी को खाना खिला देते हैं, सूजी के लिए चिकन जो है ना अलग किया हुआ, चले सूजी खा ले शाबाश, सारा खा ले पेट भर के। पिंजरे स्मैथ ही दोस्तों आ गया, और पिंजरे का जो दरवाजे का मुंह है ना इस साइड पे करेंगे हम। लो जी हीरांजा भी जो है ना अपने नए घर में जाने लगे हैं, दरवाजा इनका ये खोल देते हैं ताकि डायरेक्ट सीधा अंदर चले जाएं। दरवाजे का ऐसे साथ अटैच कर दिया, सबसे पहले जो है ना रांझा जा रहा है, उसके पीछे पीछे हीरी जा रही है,
और ऊपर जो है ना फासला ज़्यादा कहीं ऊपर से निकल ना जाए, ऊपर उठाओ पिंजरे को थोड़ा सा और उठाओ, बस दोनों ही वापस आ गया। वो हीर चली गई है उसके पीछे पीछे, रांझा भी तैयार है जी जाने के लिए। ले जी माशाल्लाह से नए घर में शिफ्ट हो गए हैं दोस्तों। ये कोई 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 भाई आएगी वो निकल गई माती, वो पंखा चल रहा है दोस्तों, पंखे के अंदर आ गई है और माती मर गर्दन बेचारी की कट गई है, मर गई। बाबू किया भी था तेरे से यार पंखा बंद कर ले दोस्तों, पंखा इसने बंद नहीं किया, एक ही दम निकल के जो है ये आ गया, गर्दन ही बेचारी की कट गई है। ये देखें दोस्तों, बड़ा ही अफसोस हो रहा है, यकीन करें नए घर में शिफ्ट करते करते जो है ना इतनी बड़ी जो है ना हमसे गलती हो गई है कि सिर्फ भाई ने पंखा बंद नहीं करा और एक ही दम माती निकल के सीधी पंखे के अंदर की। जाली हमने बंद कर ली थी, भाई को कहा भी था कि पंखा बंद कर दो, मैंने कहा शायद उसने बंद कर दिया, लेकिन नहीं किया दोस्तों। राजा हमारा अकेला रह गया और मैंने खीरे और सेब जो है ना काट के इनके लिए रखा हुआ था, ये भी इन्हें डाल देते हैं। अब रखते हैं इनको सारों को, खाना भी इसका रख दिया, इसको बंद करते हैं, अच्छी तरह पेट भर के खा लेगा, बाकियों का भी ऐसे रख दे बाबू। तो अपने ब्लॉग का दोस्तों यहीं पर एंड करते हैं, अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मिलेंगे इंशाल्लाह कल, अल्लाह हाफिज़।